नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है अस्तित्व आस्था के लुटेरे। एक विशाल नगर में हजारों भीख मांगने वाले थे। अभाव में भीख मांग कर आजीविका चलाना उनका पेशा था। उनमें कुछ अंधे भी थे। उस नगर में एक ठग आया और भीख मंगों में सम्मिलित हो गया। दो तीन दिन में ही उसने जान लिया कि उस भिखारियों में अंधे भिखारी अधिक समृद्ध थे। अंधे होने के कारण दयालु लोग उन्हें कुछ ने कुछ विशेष ही दान देते हैं। उसका धन देखकर ठग ललचाया। वह अंधों के पास पहुंचकर कहने लगा, सूरदास महाराज धन्य भाग जो आप मुझे मिल गए। मैं आप जैसा महात्मा की खोज में था। गुरुवार आप तो साक्षात्कार भगवान हो। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लीजिए भोजन ग्रहण कीजिए। मेरे सर पर कृपा का हाथ रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। अंधे को तो जैसे बिन मांगी मुराद मिल गई। वह प्रसन्न हुआ और भक्त पर आशीर्वाद की फड़ी लगी दी। नकली भक्त असली से भी अधिक मोहक होता है। वह सेवा करने लगा। अंधे सभी साथ रहते थे। वैसे भी उन्हें आँख वाले भीख मंगों पर भरोसा नहीं था। थोड़े ही दिनों में ठग ने अंधों का विश्वास जीत लिया। अनुकूल समय देखकर उस भक्त ने अंध सभा को कहा, अब महात्माओं मुझे आप सभी का तीर्थ यात्रा कराने की मनोकामना है। आपकी यह सेवा कर संतुष्ट होना चाहता हूँ। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। सभी अंधे ऐसा श्रवण कुमार सा योग्य भक्त पा गदगद थे। उन्हें तो मनवांछित की प्राप्ति हो रही थी। वे सब तैयार हो गए। सभी ने अपना अपना संचित धन साथ लिया और चल पड़े। आगे आगे ठगराज और पीछे अंधे की कतार। भक्त बोला, महात्माओं आगे भयंकर अटवी है, जहाँ चोर डाकुओं का उपद्रव रहता है। आप अपने अपने धन को महाले अंध समूह दबड़ाया। हम तो अंधे, अपना अपना धन कैसे सुरक्षित रखे। अंधों ने निवेदन किया, भक्त हमें तुम पर भरोसा है। तुम ही इस धन को अपने पास सुरक्षित रखो। कहकर सभी ने नोटों का बंडल भक्त को दबा दिए। ठग ने इस गुरुवर्ग को आपस में ही लड़ा मारने की युक्ति सोच रही थी। उसमें सभी अंधों की झोलियों में पत्थर रखवा दिया और कहा, आप लोग मौन होकर चुपचाप चलते रहना। आपस में कोई बात न करना। कोई मीठी मीठी बातें करे तो उस पर विश्वास न करना और यह पत्थर मार मार कर भगा देना। मैं आपस में दूरी बनाकर नजर रखते हुए चलता रहूंगा। इस प्रकार सभी का धन लेकर ठग चलते बना। उधर से गुजर रहे एक राहगीरी सज्जन ने इस अंध समूह को इधर उधर भटकते देखा था। सूरदास जी, आप लोग सीधे मार्ग न चले कर उन मार्ग अटवे में क्यों भटक रहे हो। बस इतना सुनते ही सज्जन पर पत्थर वर्षा होने लगी। पत्थर के भी कहां आंख होती है। इस दूसरे अंधों पर भी पत्थर बरसने लगे। अंधे आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। आपकी डवाडोल अदृढ़ श्रद्धा को चुराने के लिए सेवा परोपकार और सरलता का स्वांग रचकर ठग आपकी आस्था को लूटने के लिए तैयार बैठे थे। अर्थात दर्शन चिंतन के अभाव में हमारा ज्ञान भी अंध है। अज्ञान का अंधापा हो तो अस्थिर आस्था जल्दी विचलित हो जाती है।
एक बार आस्था लूट ली जाती है तो सन्मार्ग दिखाने वाला भी शत्रु लगता है। अज्ञानता के कारण ही अपने समृद्धि दर्शन की कीमत हम नहीं जान पाते। हमेशा डावाडोल श्रद्धा को सरल जीवन सरल धर्म के पालन का प्रलोभन देकर आसानी से ठगा जा सकता है। विचलित विचारों को गलत मार्ग पर डालना बड़ा आसान है। आस्था टूट जाने के भय में रहने वाले डूल भूल संदिग्धताओं को सरलता से आपस में लड़ाकर खत्म किया जा सकता है। अस्थिर आस्था ही ठगी में आज जो और पकड़ा हुआ है। निष्ठा पर डूल मूल नहीं सुदृढ़ता बढ़ने। आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। जय गुरुदेव जी।